अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ओ लेवल कंप्यूटर साइंस। ओ लेवल कंप्यूटर साइंस जिसका सिलेबस कोड है 2210, लेक्चर नंबर 1 है बेटा। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के लिए हमने एक बुक कंपाइल की हुई है, उसका नाम है क्या, गोल्डन बुक। ठीक है, तो पेपर नंबर 2 के लिए चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को मिलाकर हमने एक बुक कंपाइल की हुई है, उसका नाम है गोल्डन बुक। उससे हम पढ़ाएंगे आपको पूरा ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टोटल कितने चैप्टर हैं, तो भाई टोटल पेपर 1 में जो चैप्टर है ना वो है 4, सॉरी 6। पेपर 1 में चैप्टर है 6। कौन कौन से, जरा सुनना भाई। पेपर 1 में है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। ठीक है। पेपर 2 के अंदर जो चैप्टर है वो है, पेपर 2 के अंदर चैप्टर है चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर क्या बेटा, 10। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को सूडो कोड एंड प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम वगैरह सब इसमें आता है। ठीक है, तो चैप्टर 7 को बोलते हैं एल्गोरिदम डिजाइन। ठीक है, और चैप्टर 8 को आप बोलेंगे प्रोग्राम। बेटा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को मिलाकर हमने एक बुक बनाई हुई है, उस बुक का नाम है क्या, गोल्डन बुक। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 की का मतलब है डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेसेस के लिए भी हमने एक बुक बनाई हुई है और बूलियन लॉजिक के लिए भी हमने एक बुक बनाई हुई है। ठीक हो गया, डेटाबेस और इसके लिए भी हमारी बुक है जिसको तुम बूलियन लॉजिक कहते हो। सही है। तो बताओ बच्चों पेपर नंबर 2 के अंदर कितने चैप्टर हैं टोटल? गोल्डन चार बुक जो हमने बनाई हुई है वो किसके लिए बनाई गई, सिर्फ चैप्टर 7 और चैप्टर चैप्टर 8 के। डेटाबेस की बुक हमारी अलग है विच इज चैप्टर नंबर 9, और बूलियन लॉजिक की बुक हमारी अलग है वो चैप्टर नंबर 10। ठीक है बच्चों, चलो तो हम बेटा पेपर नंबर 2 का सम अप आपको दे चुके हैं। पेपर 1 के अंदर टोटल 6 चैप्टर हैं, इनके हमने आपको लेक्चर कवर करवाने। ठीक है, तो आज की क्लास इज ऑल अबाउट पेपर नंबर 2। चलो गाइस, ये है हमारी बेटा गोल्डन बुक जो आप सब बच्चों को हार्ड कॉपी में मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सब बच्चों को हार्ड कॉपी में मिल जाएगी, ये मेरे पास इस वक्त अवेलेबल मौजूद है, मेरे पास इस वक्त है, तो आप सब बच्चों को ये गोल्डन बुक मिल जाएगी। बच्चों पेपर नंबर 2 की जो गोल्डन बुक है, इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम द बुक और फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई गोल्डन बुक के अंदर मैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 कराऊंगा। गाइज, उसके साथ आपको इसी बैग के अंदर एक प्लानर मिलने वाला है। प्लानर के अंदर हर चैप्टर के पास पेपर हमने डाले हैं और मंथ वाइज आपको करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म कर दिया ना पेपर 1 का, अब आपको प्लानर के मुताबिक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लेना है। हमें क्लियर? तो प्लानर में क्या होगा, फरवरी तक सारे चैप्टर्स को आपको कवर करना होगा। इसी तरीके से जैसे मैं गोल्डन बुक कवर करा रहा हूँ तो आप साथ साथ प्लानर भी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है गाइस, ये आपके पास डेटाबेस के लिए बुक है, आप देख सकते हैं बेटा बुक नंबर 9 इज ऑल अबाउट डेटाबेस। ठीक है, बुक नंबर 9 जो मैं आपको अभी दूंगा वो क्या है बेटा, डेटाबेस की, और बुक नंबर 8 जो है वो किसकी है बेटा, बूलियन लॉजिक। ठीक है, बूलियन लॉजिक इस चैप्टर नंबर 10 और ये है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या है बेटा, डेटाबेस। ये सब पेपर 2 की बात है। लास्टली मैं आपको बेटा लास्ट में, यानी कि जब एग्जाम होने से एक मंथ पहले, मैं आपको एक क्विक रिव्यू बुक दूंगा जिसके अंदर आपको सब चीज़ों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और ये बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, ये सारी के सारी चैप्टर 1 से लेके 6 तक की हैं जो कि पेपर 1 के अंदर आएगा। ठीक है, क्या इसको मसला तो नहीं? नहीं सर, चल, ये हमें कहाँ से लेना होगा? या आपको अभी मेरा असिस्टेंट आप लोगों को सब बच्चों को आराम से डिलीवर करवा देगा। ठीक है, मैं ग्रुप पे भी एक मैसेज कर दूंगा और मेरा असिस्टेंट आप सब बच्चों को पूरा बैग, हमने पूरा बैग बनाया हुआ इसका, पूरा बैग आपके घर पे डिस्पैच करा देगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को वो घर पे डिस्पैच कर। ठीक है उसकी बच्चों, फीस कितनी है, मतलब पैसे? पैसे मैं पता करके बता दूं, अभी कंफर्मेशन नहीं, पैसे मैं तुम्हें बता दूं, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो
बच्चों ये है गोल्डन बुक का टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब कि इसमें क्या क्या आएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गोल्डन बुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 8 है। अच्छा, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के अंदर सूडो कोड एंड प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम वगैरह है। और जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, फिर हम पढ़ेंगे वैलिडेशन वेरिफिकेशन एंड टेस्ट डेटा, सबके पेज नंबर पे लिखे हुए। फिर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर हम ट्रेसेबल बनाएंगे फ्लो चार्ट। फिर है बेटा सिलेक्शन स्टेटमेंट ऑफ सूडो कोड, फिर है बेटा लूप्स एंड एडिशन ऑफ सूडो कोड, फिर 1D array एंड 2D array, ठीक है। फिर लाइब्रेरी रूटीन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ मेंटेनेबल टेबल। ये मेंटेनेबल होगा, क्रिएटिंग अ मेंटेनेबल प्रोग्राम। फिर होगा स्ट्रिंग हैंडलिंग, फिर होगा फाइल हैंडलिंग, फिर होगा फंक्शन प्रोसीजर एंड पैरामीटर, लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, और लास्ट में ना 15 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है। तो टोटल 16 टेबल ऑफ कंटेंट, ये टोटल 16 टॉपिक है हमारे इस गोल्डन बुक में, जो कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 से बिलोंग करते हैं। बच्चों आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, शुरू करते हैं। गाइस पहले मैं पेपर नंबर 2 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई पेपर नंबर 1 भी 1 hour 45 minute का है, 75 मार्क्स का है। पेपर नंबर 2 भी 1 hour 45 minute, 75 मार्क्स का है। पेपर 1 में टोटल 6 चैप्टर हैं, थ्योरी बेस है। पेपर 2 के अंदर बेटा रिटर्न एग्जाम होता है, सूडो कोड प्रोग्रामिंग होगा, डेटाबेस होगा, फ्लो चार्ट होगा, स्ट्रिंग हैंडलिंग होगा, फाइल हैंडलिंग होगा, 15 मार्क्स का सूडो कोड है, और बेटा प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है। अच्छा ये बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि भाई पेपर नंबर 2 का सिलेबस क्या है। कोई अगर आपसे बोले ना व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पेपर नंबर 2, तो आप उसका जवाब देंगे कि भाई एक है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एल्गोरिदम डिजाइन, एल्गोरिदम एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा है बेटा प्रोग्रामिंग, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमने बुक बनाई हुई, उसका नाम है गोल्डन बुक। ये बातें अब बहुत हो चुकी हैं, ठीक है। आइए चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, और एक क्या है बेटा चैप्टर नंबर 10, ठीक। अच्छा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 के लिए हमारी बुक नंबर 8 और डेटाबेस के लिए बुक नंबर 9, और इन दोनों के लिए हमारी गोल्डन बुक। GB लिख रहा हूँ, GB का मतलब गोल्डन, ठीक हो। चल ये देखिए गोल्डन बुक ये रही मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से होती है आपकी गोल्डन बुक, ठीक है। जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर सारी की सारी चीजें जो है वो हमें इसी वर्कबुक स्टाइल में मैंने बनाई हुई है, इसी वर्कबुक के अंदर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सब बच्चों को कोडिंग जो है ना वो इसी के अंदर करनी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का, जो कि इंक्लूड है गोल्डन बुक में। और बच्चों मेरे टॉपिक का नाम है प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। बोलो क्या नाम है? ठीक प्रोग्राम डेवलपमेंट सर। है बेटा, जब आप कोडिंग कर रहे होते हो ना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये सब गोल्डन बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जब आप कोडिंग कर रहे होते हो ना, तो इंसान जब भी लैपटॉप पे या पीसी पे काम करेगा तो उसको अंडरस्टैंड करना होगा किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज को। और गाइस सीआई आपको 3 लैंग्वेज सजेस्ट करता है, एक होता है पाइथन, एक होता है जावा, और एक होता है क्या विजुअल बेसिक। क्या हुआ? विजुअल बेसिक। लेकिन आप और मैं, या मैं आपको जो कराऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कराऊंगा, पाइथन, ना हम जावा पढ़ेंगे ना हम विजुअल बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। जब भी आप कोडिंग करते हो, उस कोडिंग के करने के लिए आपको किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज को फॉलो करना होगा। और हम और आप जो हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे वो पाइथन पढ़ेंगे, ना हम जावा पढ़ेंगे ना हम विजुअल बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। जब आप कोडिंग करते हो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, उस कोडिंग को बोलते हैं सोर्स कोड। बोलो क्या बोलते हैं? सोर्स कोड वो सोर्स कोड जब ट्रांसलेट हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट कंप्यूटर की जो लैंग्वेज में आता है, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट कोड। बोलो क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोड। गाइस तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए वी हैव अ ट्रांसलेटर, वी हैव अ ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर। 3 तरीके के ट्रांसलेटर हैं। सी का मतलब है कंपाइलर, और सी का मतलब क्या है? कंपाइलर आई का मतलब है इंटरप्रेटर,
ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर, और तीसरा ट्रांसलेटर है बेटा क्या, असेंबलर। ठीक है, तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ले जाने के लिए तीन तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, कौन कौन से बताने? सी का मतलब, कंपाइलर, का मतलब, इंटरप्रेटर, का मतलब असेंबलर, ए का मतलब। असेंबलर। तो जब भी हम कोडिंग करेंगे, वो कोडिंग के लिए जो आपके पास होगी वो क्या होगी? पाइथन। पाइथन जब लिखी जाती है वो कहलाता है सोर्स कोड। बेटा उस पाइथन का जो रिजल्ट आएगा मशीन कोड में वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाए भाई, पाइथन लैंग्वेज को रन करने के लिए, पाइथन लैंग्वेज को रन करने के लिए जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर का मतलब जिस पे कोड रन होगा, तो बच्चों सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बोलो क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बोलो क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक हो गया, चलो। आईडी आपके पास तीन तरीके के होते हैं, ठीक है? ये आईडी की एग्जाम्पल तीन तरीके की है, एक है बेटा पाइचाम, दूसरा है वीएस कोड, तीसरा है क्या, ये मेरी वेबसाइट। बच्चों वेबसाइट है theakikhan.com, और इस पे भी हमने बेटा पाइथन आईडी कंपाइल करके रखा हुआ है, पाइथन आईडी रखा हुआ है जिस पे बच्चे डायरेक्ट जाके वेबसाइट पे कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम पाइथन को रन करते हैं। बोलो, जिसपे हम पाइथन को रन करते हैं। सबसे बेस्ट होता है पाइचाम, फिर है वीएस कोड, फिर क्या है बेटा मेरी ऑनलाइन वेबसाइट विच इज theakikhan.com। ठीक है, चलो, की बातों को मैंने यहाँ पर भी लिखा, मैंने यहाँ पर सूडो कोड को थोड़ा सा बताया। मैंने कहा कि भाई जब भी हम कोडिंग करते हैं ना, तो वो कोडिंग किसी ना किसी लैपटॉप पे होती है, और लैपटॉप पे जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें कोई ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज को फॉलो करना होता है, और सीआई के मुताबिक हम बेटा पाइथन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता है ये कि पाइथन जो है ना वो एक लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गई। बच्चों हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद पाइथन की वैल्यू कम हो जाए और कोई और लैंग्वेज आ जाए, तो ये तो होता है। जब हम यूनिवर्सिटी में थे या जब हम ग्रेजुएशन के मास्टर्स कर रहे थे, तो उस वक्त सी शार्प लैंग्वेज होती थी, ठीक है, और पाइथन ना नई नई आई थी, तो एक लैंग्वेज थी सी शार्प। सब बच्चे सी शार्प सी शार्प सी शार्प पे काम करते थे, और कुछ ही साल के बाद वो सी शार्प को रिप्लेस कर दिया किसने बेटा? पाइथन। ठीक, तो अब अगर कोई बंदा सिर्फ लैंग्वेज स्पेसिफिक होगा तो वो तो मसले में रहेगा। तो कैम्ब्रिज ने कहा कि भाई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं रहो, प्रोग्रामिंग सीखो। प्रोग्रामिंग सीखने को बोलते हैं क्या? सूडो कोड, जिसमें सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग या स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होती है, दैट कैन ऑल्सो बी राइट इन एनी लैंग्वेज। तो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, उस बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल या जनरल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? सूडो कोड। बोलो क्या बोलते हैं? सूडो कोड। वो सूडो कोड को आप इजिली सिंटेक्स सीखने के बाद किसी भी लैंग्वेज में, हम पाइथन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हम सूडो कोड क्यों पढ़ रहे हैं? हालांकि सूडो कोड कोई एक अपनी लैंग्वेज नहीं है, सूडो कोड एक जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं दैट कैन कन्वर्ट इनटू एनी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको तुम सिंटेक्स सीखने के बाद हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, सूडो कोड हम लिखते हैं बेटा पेपर पे, और पाइथन की लैंग्वेज हम लिखेंगे सीपीयू पे। सही है, तो सूडो कोड हम पढ़ते क्यों? क्योंकि सूडो कोड एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल होगा, और लैंग्वेज से बचने के लिए हम लैंग्वेज पे स्पेसिफिक नहीं जाते, हम सूडो कोड इस्तेमाल करते हैं। सूडो कोड एक क्या होता है? बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल। ठीक है, अच्छा, जब भी मैं सोर्स कोड यानी कि लैपटॉप पे जब भी कोडिंग लिखता हूँ, तो वो कहलाता है सोर्स कोड एडिटर पे हम कोड लिखते हैं, उसको ट्रांसलेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किस में आता है बेटा? वॉच विंडो या ऑब्जेक्ट कोड में, वॉच विंडो या ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये वाली डायग्राम सबको समझ आ गई? बिल्कुल ठीक है, फरदान, मेरा तुमसे सवाल है, व्हाई डू वी लर्न सूडो कोड रदर देन पाइथन? हम लोग सूडो कोड क्यों पढ़ रहे हैं, हम पाइथन को डायरेक्टली क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या सूडो कोड आसान है। नहीं, मैंने कब बोला था? मतलब नताशा, बाकी बच्चे? बिकॉज सीआई किसी एक लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता, तो वो कहता है कि आप सूडो कोड पे काम करें, क्योंकि बिल्कुल, लाइक आगे लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो कौन सूडो सा कोड आप आर्टिकल? लिखें।
बिल्कुल सही, इर्तिदा आप बता। सुडो कोड आर बेसिकली अ बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल। हाँ, सुडो कोड आर बेसिकली द बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल। जब तुम स्किल सीख जाओगे और फ्यूचर में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि भाई ये पाइथन ऑब्सोलीट हो गई, तो हम बोलेंगे यार कोई बात नहीं, हमें तो स्किल आती है ना, कोई नई लैंग्वेज अगर आ गई तो कोई बात नहीं, हम उस लैंग्वेज पे अपनी स्किल को इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। सही है ना? तो ठीक कैम्ब्रिज कह रहा है कि लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं रहो, जनरल प्रोग्रामिंग स्किल पर काम करो, विच इज क्या बेटा, सुडो। चलिए गाइस, कुछ प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं आपके पास, उस टर्मिनोलॉजीज को मैं भी लिखवाऊंगा, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि तरह कोडिंग की तरफ जाए कि देखो, ये देखो बच्चों, ये आपके पास सुडो कोड। सुडो कोड की डेफिनेशन लिखी हुई, सिंपल मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिदम, ठीक है? सुडो कोड डिस्क्राइब करता है एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को वन बाय वन बाय वन बाय वन करते रहो, वो क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम। सुडो कोड के अंदर हम एल्गोरिदम को डिटेल में करते हैं, कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि सिमिलर होगा पाइथन से या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज से। सही, इसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, कोई हाई लेवल, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है? बट पाइथन क्या है बेटा, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बोलो बेटा पाइथन एक क्या है बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन के अंदर सिंटेक्स होंगे, बोलो पाइथन के अंदर सिंटेक्स यानी कि रूल्स ऑफ होंगे राइटिंग। होंगे सही, बिल्कुल है। अब आ जाओ वन बाय वन इन डेफिनेशन को पहले आपको कवर कराएं, ठीक है? कोई अगर आपसे बोले कि भाई व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, तो क्या बोलोगे? लैंग्वेज विच कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। शाबाश। कंप्यूटर पे जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करते हुए हमें क्या फॉलो करनी होती है बेटा, हाई हाई लेवल लैंग्वेज। लेवल लैंग्वेज, ठीक हो गया? तो आपने बोला लैंग्वेज विच इज इजीली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, सही है बेटा? माइक म्यूट करूं, सही है भाई? सीपीयू को जो समझ आती है वो कहलाती है क्या? और आपके पास जो हमारे सिलेबस में जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज करा रहा, ठीक है भाई? नेक्स्ट आ जाओ सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब है कोड जब हम लिख रहे होते हैं तो वो कोड किस में लिखा जाता है बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज में। और हाई लेवल लैंग्वेज की कोडिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, सोर्स कोड। मैं लिख रहा हूँ हाई लेवल लैंग्वेज की जो कोडिंग होगी वो क्या कहलाएगी, अ प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में होगा तो वो क्या कहलाएगा, सोर्स कोड। बच्चों जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कोड। सर एक क्वेश्चन है हाँ पूछो। सर, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं जो उसका आउटपुट होता है वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। हाँ, बिल्कुल यही तो। रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेटर पे आ जाए, ट्रांसलेटर भाई वो कौन है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करके देता है? हाँ कंपाइलर। ये रहना, देखो
देखो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने वाला या वॉच विंडो में ट्रांसलेट करने वाला कौन है बेटा? ट्रांसलेटर। तो ओके डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट किसको किसमें बताना। सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। वेरी गुड। बेटा सूडो कोड क्या होता है जल्दी बताओ। सूडो कोड स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट कैन कन्वर्ट इनटू एनी हाई लेवल लैंग्वेज अब देखो ये अ जनरल फॉर्मूला लैंग्वेज दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये लिखी लिखी है सिंपल मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम। ठीक है लिखा हुआ है सुडोकू डिस्क्राइब व्हाट द एल्गोरिथम डज बाय यूजिंग इंग्लिश कीवर्ड्स दैट आर वेरी सिमिलर टू द पाइथन या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज से बट वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड नहीं होता। सुडोकोड इज नॉट राइट इन द हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज सिंपल मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम। ये बात लाजमी लिखे नॉट रिटन ऑन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम। अच्छा व्हाट इज एल्गोरिथम? जनरल स्टेटमेंट नहीं वो तो सूडो कोड होता है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर हाँ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वेरी गुड। ये लिख रहा हूँ मैं एल्गोरिथम। किसी भी कोड को वन बाय वन सॉल्व करना 1 2 3 4 5 लाइंस बाय लाइन सॉल्व करना क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम। तो यस सर। मैं लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सही है बेटा क्या इसको मस्ता तो नहीं? नो चल बेटा जब हम कोड लिखते हैं ना ठीक है वो कोड लिखने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन आती है वो क्या कहलाता है बेटा? रिपोर्ट नंबर रिपोर्ट या वॉच फाइंड। आइए मैं पहले आपको जरा इसका आइडिया देता हूँ। देखो देखो ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है theakkikhan.com। ठीक है इस वेबसाइट पे जैसे हम जाते हैं ठीक है ये एक मेरी वेबसाइट है। वेबसाइट के एड्रेस है theakkikhan.com। गाइस जब इस वेबसाइट पे आप जाते हो ठीक है तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन पाइथन आईडी बनाया। ठीक है ये आप गए बेटा यहाँ पे जैसे तुम एक्सप्लोर पे जाओगे तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स ओ लेवल प्रीमियम ए लेवल प्रीमियम ए टू लेवल प्रीमियम ए टू लेवल फ्री लेक्चर्स ओ लेवल फ्री लेक्चर्स ये सब चीज़ें आपके पास है। यहाँ पर बच्चों पाइथन आईडी आ रहा है। मैंने पाइथन आईडी पर टैप कर दिया। ठीक ये पाइथन आईडी आ गया आपके पास। ठीक है गाइस पाइथन आईडी आने के बाद ये वाली जो स्क्रीन है ना ये वाली जो स्क्रीन है ये कहलाती है सोर्स कोड एडिटर। देख रहे हो यहाँ पर जैसे ही मैं कोडिंग करूँगा देखो मेरे सामने स्क्रीन आ रही है आपके सामने। ठीक जी सर। है बच्चों यहाँ पर मैं कोडिंग लिखना शुरू कर। जैसे मैंने लिखा एन ठीक है एन एक वेरिएबल है जो डेटा इनपुट करेगा।
पहली दफा कोडिंग करके दिखाएंगे आपको ताकि आपको आ जाए आइडिया हो रिपोर्ट विंडो और वॉच विंडो होता क्या। अब देखो एन एक वेरिएबल है जिसकी डेटा की टाइप है इंटीजर, ठीक है, इनपुट ले रहा हूं मैं, सही। पहला नंबर इनपुट लेंगे जिसको हमने एन में कर दिया, राइट। दूसरे नंबर को मैं ले रहा हूं एक्स में, ठीक इसके लिए टेक्स्ट क्या आएगा, एंटर नंबर, बोलो। रैंडम नंबर 2 तो बताओ बच्चों पहला वेरिएबल किस में स्टोर, पहला नंबर जो भी यूजर इनपुट देगा वो किस में स्टोर है, एन और दूसरा, में एक्स एक्स में, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये इनपुट क्या है, इनपुट एक कीवर्ड है, ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट एक सिंटेक्स है पाइथन में लिखने का, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार इस सवाल के अंदर तुम्हें दो नंबर इनपुट लेके उसको ऐड करना था, हैशटैग में हम लिखते हैं कमेंट, बोला हैशटैग में क्या लिखते हैं, कमेंट और कमेंट लाइन हाँ ट्रांसलेटर को समझ नहीं आती, कमेंट लाइन ट्रांसलेटर को समझ नहीं आती, वो स्किप कर देता है। ट्रांसलेटर लाइन नंबर वन को क्या करेगा बच्चों, तो स्किप फिर हम लिख क्यों रहे हैं, हम लिख रहे हैं आपके और मेरे लिए, आप और मैं अगर कोई चीज को रिमेम्बर करना चाहेंगे तो हम किस पे लिखेंगे बेटा, कमेंट पे। तो कमेंट पे मैं सवाल लिखूंगा इनपुट टू नंबर एंड आउटपुट द सम। तो लाइन नंबर वन कंप्यूटर या ट्रांसलेटर को समझ आएगी या नहीं आएगी, नहीं। नहीं, चलो वो स्किप कर देगा कमेंट वाली लाइन, कंप्यूटर क्या करता है बेटा स्किप करता है। तो ये जो आईडी मैंने दिखाया है ऑनलाइन आईडी, इसमें जो अलग अलग कलर्स हो रहे ना, इन अलग अलग कलर्स को खुद से हो रहे ना, इसको बोलते हैं प्रिटी प्रिंटिंग। बोले क्या बोलते हैं, प्रिटी प्रिंटिंग। और जहां पर मैं कोडिंग लिख रहा हूँ इस जगह को बोलते हैं सोर्स कोड एडिटर, बोलो इस टेक्स्ट एडिटर को क्या बोलते हैं तो सोर्स कोड। बच्चों पहला नंबर जो भी है वो एन में गया, दूसरा नंबर एक्स में गया, अब मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ एस, एस को कह रहा हूँ कि भाई तुम स्टोर कर लो, किसको बेटा, एन प्लस एक्स एक्स को, बोला एन प्लस एक्स ठीक है। अब मेरा आंसर किस में स्टोर हो गया बेटा बताओ, एस एस में इसमें तो मैं शो या प्रिंट करा दूं, स्मॉल में लिखेंगे प्रिंट। आ अभी हम पूरा पाइथन पढ़ाएंगे आपको, बस आइडिया के लिए करवा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, क्या बेटा क्या किसमें है मेरा आंसर, आंसर एस एस में। तो मैं मैसेज भी प्रिंट कराता हूँ, योर, अच्छा सा मैसेज प्रिंट कराऊंगा फिर वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, योर आंसर इज, मेरा आंसर स्टोर है एस में। सही, मेरा आंसर स्टोर है किसमें, एस में। गाइज अब मैं कोड को रन कर रहा हूँ, रन करने के लिए प्ले का बटन दिख रहा है, ये दबा दिया मैंने, आ गया राइट साइड पे मेरा आउटपुट। हाँ क्या आ रहा है बेटा, यस वन आ रहा एंटर नंबर, शाबाश। वन अरे बच्चों अपने कोड को रन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आपके पास लैपटॉप पे भी मैंने ऑन किया, ठीक है, ये रन का बटन दबाया, लिखा हुआ आ रहा है एंटर नंबर वन, ठीक है। अब वो ये जो राइट साइड पे स्क्रीन आ रही है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्ट या वॉचमेंट, बोले क्या बोलते हैं, रिपोर्ट या वॉचमेंट। फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर मैंने डाल दिया 6, दूसरा डाल दिया 5, 6 और 5 कितने होते हैं बेटा, 11 11। तो लाइन नंबर वन तो स्किप हो गई, लाइन नंबर टू में उसने बोला एंटर नंबर वन, मैंने डाल दिया 6, लाइन नंबर 3 का आउटपुट उसने दिया एंटर नंबर टू, मैंने डाल दिया 5, लाइन नंबर 4 में सिर्फ ऐड होगा, लाइन नंबर 5 में मैसेज प्रिंट होगा, क्या मैसेज प्रिंट हुआ, योर आंसर इज कितना, 11 11 समझ आई बात, यस। अरे एनी प्रॉब्लम, हाँ क्वेश्चन क्यों पूछो पूछो। सर, पाइथन तो वैसे ओ लेवल में आते नहीं है, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छी सवाल।
पाइथन ओ लेवल में आती है, पाइथन का पेपर नहीं आता। एग्जामिनर ने बुक में चैप्टर नंबर 8 में बोला है कि बच्चों को पाइथन पढ़ाइए, बट कुछ हमारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों को ये गाइड करा कि पाइथन पढ़ने की जरूरत नहीं, पाइथन पढ़ने की जरूरत है। क्यों जरूरत है मुझे एक बात बताओ। मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाता हूँ और मैं तुम्हें पेपर पे सिखाता हूँ सूडो कोड पे, मैं तुम्हें कार की एक्चुअल ड्राइव या प्रैक्टिकल स्किल नहीं देता, तो बताओ तुम्हें गाड़ी चलाना आ जाएगी नहीं नहीं आएगी, नहीं आएगी। आएगी? आप बोलोगे कि सर आ जाएगी बट अच्छे तरीके से नहीं आएगी क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं करा भाई। ओ लेवल एग्जामिनर की अगर आप कभी पढ़ें वर्डिंग, वो कह रहा है कि बच्चों को आप प्रैक्टिकल स्किल दें क्लास में, लेकिन उन प्रैक्टिकल स्किल को पेपर पे लिखवाएं सूडो कोड पे, ताकि उनको पता लगे कि व्हाट इज सोर्स कोड एडिटर, व्हाट इज रिपोर्टर वॉचमैन। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतने बड़े तो हो गए हैं, अगर मैं पाइथन का ये आईडी नहीं दिखाता आपको, तो क्या तुम्हारा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि रिपोर्ट विंडो और सोर्स कोड एडिटर क्या होता है? नहीं होता, नहीं नहीं सर, होता। नहीं होता। कितना भी पेपर पे लिखता रहता आपको नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल फैक्ट बात है, मेरे साथ भी हुई थी। जब हमें भाई सोर्स कोड पढ़ाए जा रहे हैं, हम सूडो कोड पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई क्या है ये, हमें तो एग्जाम के टाइम तक नहीं पता था कि सूडो कोड में और पाइथन में क्या फर्क है। समझ आई बात? तो इसलिए करा, जी याद रखें पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सूडो पाइथन सूडो कोड कोड क्या आएगा, सूडो कोड। लेकिन सूडो सूडो कोड कोड समझ कब आएगा, जब जब तुम उसको पाइथन रन पढ़ेंगे, करोगे। जब पाइथन पे रन करेंगे। और बात, वो जब आप खोलेंगे, वो लोग जो ये सवाल कर रहे हैं ना कि एग्जामिनर ने नहीं बोला, भाई चैप्टर नंबर 8 पे एग्जामिनर पाइथन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, चैप्टर 7 में कह रहा है सूडो कोड, चैप्टर 8 में उस सूडो कोड को रिलेट कर रहा है किससे, पाइथन से। एग्जामिनर बुक के अंदर भी तो कह रहा है कि पाइथन या विजुअल बेसिक या जावा में से कोई एक लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाए, बट बच्चों को ये बता दें कि भाई सूडो कोड पे एग्जाम होगा, पाइथन पे एग्जाम नहीं नहीं होगा। होगा, अच्छा, ओके यहां तक समझ आ गया जी। बच्चों? ये जो मैं कोड लिख रहा था, ये किस पे लिख रहा था? पाइथन पे। ठीक है, पाइथन पे क्यों लिख रहा था, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बन जाए। बच्चों इसमें आपने मल्टीपल चीजें देखी, ये वाली जो स्क्रीन है ये सोर्स कोड एडिटर है। बच्चों ये जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या आ रहा है, अब देखो एक और एंटर नंबर 1, अगर मैं दुनिया का कोई भी नंबर इनपुट दे दूं तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा? चलेगा ना। जी चलेगा पहला नंबर दे दिया 19, दूसरा नंबर दे रहा हूँ 8, बताओ कितना हो गया? देखो प्रिंट हो गया और आंसर इज 19। तो बेटा ये स्किल डेवलप करने के लिए तुम्हें ये कोड लिखाना जरूरी था या नहीं था, ये डायरेक्ट सूडो कोड करा था? सर। हाँ जी आई समझ में आ गई क्यों पढ़ा रहा हूँ? सर, वो लोग जो जिसने भी आपको ये गलत कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट है, उनको पाइथन आती नहीं होगी बच्चों को पढ़ाना। समझ आ गई बात? हम तो आपको एक्स्ट्रा चीज ओके पढ़ा के दिखा रहे हैं ना कि भाई इस तरीके से सूडो और पाइथन भी होगी। ठीक है, तो गाइस अब बताओ, अब जब तुम रिपोर्ट और वॉच विंडो की डेफिनेशन लिखोगे तो लिख सकते हो, है ना? क्या लिखोगे? वो स्क्रीन जिसपे वेरिएबल्स की वेरिएबल एग्जीक्यूशन हो, जिसपे वेरिएबल एग्जीक्यूट हो रहे थे ना बेटा, और हम वैल्यू क्या कर रहे थे बेटा, पुट कर रहे थे। स्क्रीन जिसमें वेरिएबल एग्जीक्यूशन होगी और वैल्यूज क्या होंगी, बाय बाय यूजिंग सम टेस्ट डेटा। अभी हम पढ़ेंगे टेस्ट डेटा क्या होता है। ठीक है गाइस, फ्लो चार्ट का मतलब होता है पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, पिक्चर्स में और ग्राफिक में रिप्रेजेंट करना। बेटा आईडी क्या होता है बताना, आईडी स्टैंड फॉर बोलो। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आगे क्या करता है आईडी बेटा, जल्दी बताओ, लड़को बताओ आईडी क्या करता है। हाँ तो पाइथन एक ऐसा सॉफ्टवेयर, सॉरी आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोड को रन करते हैं, जिसमें हम कोड को क्या करते हैं बेटा, रन करते हैं। और इसके राइट हाँ, और इसमें मोस्टली कोड रन नहीं होता है, इसमें कोई ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज रन होती है। और जब आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को रन करते हो, मोस्टली हम तो पाइथन को रन करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीपल फीचर होते हैं, लाइक क्या था मैंने आपको बताया था, सोर्स कोड एडिटर था ना भाई, और क्या था बेटा, ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट कर रहा था, और क्या था, कमेंट करा था तुमने अभी, मैंने कमेंट जी कराया था ना बेटा। अच्छा और क्या कराया था बेटा, जो आप आपकी लास्ट स्क्रीन आती है वो क्या थी बेटा, रिपोर्ट और वॉच विंडो, जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर। रिपोर्ट भी सर, हाँ एरर कोड भी था बिल्कुल। और बच्चों वो जो कलर चेंज हो रहे थे उसको क्या बोल रहे थे हम, प्रिटी प्रिंटिंग, बोलो क्या बोल रहे थे, पीटी प्रिंटिंग या कलर ग्रेड, सही। और हम इसके अंदर एरर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द एरर्स डीबगर, सही है। कोई अगर आपसे बोले कि भाई कौन कौन से आईडी हैं, तो आप क्या बोलोगे, पाइथन का रन करने के लिए सबसे बेस्ट आईडी कौन सा होता है, पाइचाम, बोलो कौन सा होता है, पाइचाम। बाय चांस। उसके अलावा भी होता है, वो कौन सा होता है, वीएस कोड, वीएस कोड और सुडो सुडो कोड। कहाँ से आ गया, ये सॉफ्टवेयर है भाई पाइथन को रन करने, ठीक कोड है भाई। अब जरा आपको सुडो कोड और पाइथन के दरमियान डिफरेंस दिखाएंगे, अगली क्लास में कराऊंगा ये सब, ठीक है। सिर्फ आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दिया कि सुडो कोड और पाइथन में क्या डिफरेंस है। बच्चों मुझे एक बात बताइएगा और बेसिक, वो ये कि अगर कोई आपको बोले सूडो कोड, ठीक है, आपका पेपर तो सूडो कोड में होगा ना गाइस, सूडो कोड का पेपर, सूडो ऑन कोड किस पे लिखा जाता है, सीपीयू पे या ऑन पेपर, पूरी क्लास पेपर का सम ये क्या होगा, ऑन। बच्चों पेपर पाइथन किस पे लिखे गए, कंप्यूटर पाइथन सीपीयू ऑन, वेरी गुड, ऑन सीपीयू। सीपीयू और बच्चों पाइथन को रन करने के लिए हमें कोई ना कोई क्या चाहिए होगा बेटा, आईडी, आईडी ठीक है। सुडो कोड को हम पेपर पे लिखेंगे, और हमारा ओ लेवल का पेपर टू पूरा का पूरा किस पे होगा, सुडो कोड ठीक है। सुडो कोड एक जनरल लैंग्वेज है, बोलो सुडो कोड एक क्या है, जनरल लैंग्वेज। लैंग्वेज। बच्चों मेरा सवाल है वही वाला जो इस बच्चे ने बोला था, Why do we learn Python जब एग्जाम ही बेटा सुडो कोड पे आ रहा है, सर क्योंकि ना वो बेसिक होती है, बेसिक होती है, और उसको रन करने के लिए जो प्रैक्टिकल तो होगा ना, मैं तुम्हें सुडो कराऊंगा ताकि तो आपको पता चले सुडो कोड असली में एग्जीक्यूट कैसे होता है। सुडो कोड थ्योरी एग्जीक्यूशन ऑफ सुडो कोड, एग्जीक्यूशन ऑफ सुडो कोड ना असली में कैसे होता है, एम आई क्लियर। तो यस बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर चैप्टर नंबर 7 में, कि भाई सबसे बड़ी बात ही ये थी ना आपके नजदीक, कि यार सूडो और पाइथन में मसला क्या है, सूडो पाइथन चलता कैसे है और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, एम आई क्लियर। फिर वो एल्गोरिथम वाली वो दिखा दे, मैं स्क्रीनशॉट लेने। बच्चों उसके बाद मैं अगली क्लास के अंदर अगर आप देखें तो मैं बेटा सूडो वर्सेस पाइथन को डिटेल में कराऊंगा, और फिर हम बेटा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये सब गोल्डन बुक में सब दिया भाई। फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट शुरू करूंगा, लूप्स बताऊंगा, सिंटेक्स बताऊंगा लूप्स के, फिर बेटा डेटा की टाइप बताऊंगा, फिर वेरिएबल कांस्टेंट एरे बताऊंगा, आइडेंटिफायर्स बताऊंगा, 1D एरे 2D एरे एंड सो ऑन सब बताऊंगा डिटेल। तो गाइस ये आपके पास फॉर्मेट डेफिनेशन है फ्लो चार्ट की, एल्गोरिदम की, सूडो कोड की और इस सब वजह। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी।
ले ली। इसका भी ले ली। चलें तो बच्चों आज की क्लास इतनी, कल मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मनी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।